हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको इतिहास पढ़ा रही हूँ। इतिहास में हम पढ़ रहे थे हमारा पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसको हमने पिछले अपने तीन वीडियो में पढ़ लिया है कि उसका तीन वीडियो में अपने आधे पार्ट को हमने कवर किया था। पहले में हमने पढ़ा था फ्रेडरिक सारियू का जो चित्र था, जिसको यूटोपिया या कल्पना दर्श कहा गया है, उसके बारे में हमने पढ़ा। सेकंड वीडियो हमारा था जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र का विचार। उसके बाद पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, और ये तीसरा पॉइंट हमारा है जिसमें हम पढ़ेंगे क्रांतियों का युग। तो बच्चों, इस चैप्टर इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपना पिछला रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने एक स्मृति बिंदु बनाया है कि पहला हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था, जहाँ पर लोगों ने उस निरंकुश सत्ता, जो शासक था लुई सोलहवां जो था वो निरंकुश था, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने क्रांति की थी। और क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो सत्ता थी वो राजतंत्र से नागरिकों के हाथ में आ गई थी, तो मोनार्की से वो आ गया था कॉमन पीपल के हाथ में। इसके बाद आई नेपोलियन की सत्ता। नेपोलियन 1804 में जो उसकी नागरिक संहिता आई थी, उसमें उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे, तो लोग उसको पसंद करने लगे। तो फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह से क्रांति हुई, तो इस तरह से उसने नेपोलियन अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। लेकिन 1815 आते आते बाकी जो है, जो लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन उसका इतना ज़्यादा वो एक तरह से निरंकुश शासन ही उसका होने लगा था, जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करने लगा था, और बहुत सारे परिवर्तन जो आए जिससे लोग उससे नाराज हो गए। और वापस 1815 ईस्वी में जो प्रशा और रूस और ऑस्ट्रिया, ये तीनों ने मिलकर क्या किया कि एक तरह से वापस नेपोलियन को उखाड़ फेंका, और उस फ्रांस में जो बुर्बो वंश था, जिसको ये 1789 की क्रांति में जिसको लोगों ने क्रांति करके उस बुर्बो वंश के शासक लुई 16 को उखाड़ फेंका था, उसको वापस 1815 में जो वियना की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें वापस बुर्बो वंश के शासक को इन लोगों ने उसकी सत्ता बहाल कर दी। और फिर इसके बाद बहुत सारे चेंजेस, जिसको हमने बताया था कि वो कुछ एरिया को बांट लिया इन्होंने आपस में मिलकर के। फिर आया 1815 के बाद रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि वापस हमारी जो परंपराएं हैं वो हमारे जो है वापस आ जाए। तो उसमें इन्होंने क्या चाहा कि जो जो शासन था, जो राजा का शासन था, वो वापस आ जाए। ये तो इन्होंने ये प्रयास किया, वो वापस आया, लेकिन इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, जो क्योंकि इनको मालूम था कि जो नेपोलियन ने परिवर्तन किया था वो आज की जनता जो है उसको अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो शासन चलाना मुश्किल है, इसलिए उन लोगों ने थोड़ा बहुत क्रमिक जो है चेंज किया। तो रूढ़िवादी वो थे जो परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन उसका बहुत धीमी गति से परिवर्तन हो, और वापस से वही राजतंत्र को लाने का इन्होंने प्रयास किया। फिर आया क्रांतियों का युग। तो क्रांतियों के युग में हमने पढ़ा था कि ये जो कुछ गुप्त संगठन बनाए गए, क्योंकि जब ये राजा का जब ज्यादा वापस शासन हुआ तो बहुत सारे क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, जिसमें हमने जोसेफी मेत्सिनी का पढ़ा था, जिन्होंने कुछ ऐसे संगठन बना रखे थे, तो हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्रांतियों का युग, जिसमें हमारे दो क्रांति मेन है, एक जुलाई की क्रांति जो कि फ्रांस में हुई थी, दूसरी यूनान की क्रांति जिसको ग्रीक रेवोल्यूशन कहते हैं। अब जुलाई की क्रांति में क्या हुआ था, जुलाई में जो बुर्बो वंश का शासक था लुई फिलिप, उसको लोगों ने क्या किया कि जो है वहां पे क्रांति की, और लोगों ने अच्छा क्रांति भी क्या किया कि जो मध्यम वर्गीय परिवार थे इन्होंने वो क्रांति की, और मध्य वर्गीय लोगों ने मिलकर क्रांति की। तो उसका क्या हुआ कि जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ फ्रांस में, उसका ये असर हुआ कि वापस से राजा को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र वापस आया। इसके बाद हमने यूनान की क्रांति में पढ़ना है, और कुछ मुख्य प्रकरण इसमें है जिसमें हम पढ़ेंगे एक रोमानीवाद यानी रोमांटिज्म के बारे में, भूख, दूसरा है भूख कठिनाई व जन विद्रोह, तीसरा है उदारवादियों की क्रांति। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1830 से 1848 का जो हमारा पहला है वो क्या है कि वो जो युग था इसमें क्या हुआ कि क्रांतियों का नेतृत्व जो उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा हुआ। तो ये राष्ट्रवादी उदारवादी राष्ट्रवादी कौन थे, ये मध्यम वर्गीय जो वो शिक्षित और संपन्न लोग थे जो विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, संपन्न थे। जैसे जो है हुआ क्या था, हमने बताया था जब उद्योगों का विकास हुआ
और वाणिज्य के क्षेत्र में जब विकास हुआ तो लोग एक नया वर्ग उभर के आया, जिनको हमने कहा मध्य वर्गीय लोग, जिन्होंने जिसमें ये पढ़े लिखे थे, शिक्षित संपन्न थे, जिसमें प्रोफेसर्स भी थे, अध्यापक भी थे, क्लर्क थे, व्यापारी थे और उद्योगपति थे। ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने दूसरे तरीके से क्रांति करना शुरू किया और जिसका पूरे यूरोप में ये जो है इनका क्रांति फैल गया। तो पहले हम सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति हम बोल रहे थे, उसमें पहला विद्रोह जो हुआ था फ्रांस की क्रांति सन 1830 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ कि लोगों ने क्रांति की और जो राजा वहां का बोर्बो वंश का शासक लुई फिलिप, जिसको ट्रिटी ऑफ वियना यानी वियना की संधि में वापस सत्ता में बहाल किया गया था, उसको 1815 में, उसको 1830 में आकर के लोगों ने क्रांति करके उखाड़ फेंका। और परिणाम क्या हुआ कि जो फ्रांस की क्रांति हुई वहां पे ये मोनार्की चला गया, राजतंत्र गया, लोगों ने किया कि एक संवैधानिक जो है राजतंत्र बनाया कि जो संविधान के आधार पे ये जो है चलेगा। फिर क्या हुआ, उसका ये परिणाम हुआ कि ब्रुसेल्स, जो कि फ्रांस के ही बगल में सटा हुआ है, बेल्जियम है, बेल्जियम का एक क्षेत्र था जो उस समय नीदरलैंड के अधीन था। तो हमने ये पढ़ा था ट्रिटी ऑफ वियना में कि जो है जब ट्रिटी ये वियना की संधि हुई तो उसमें फ्रांस का विस्तार रोकने के लिए उसके उत्तर में नीदरलैंड को बैठा दिया गया, जिसके अंतर्गत ये बेल्जियम आता है। नीदरलैंड जिसको इतिहास में हम पहले हॉलैंड के बारे में नाम से जानते थे। और बच्चों इसको पढ़ते समय आप एक बार पिछला 9th क्लास का रिकॉल करिए कि हमने जो मानचित्र में जो यूरोपीय राज्यों के बारे में बताया था, तो आप उस मानचित्र को माइंड में बैठा लेंगे तो आपको समझना ज्यादा आसान होगा कि फ्रांस था, फ्रांस के उत्तर में ही जो है बेल्जियम और नीदरलैंड था, तो और नीदरलैंड के अधीन ये बेल्जियम था। तो जब वहां पे फ्रांस की जुलाई की क्रांति हुई, उसका ये असर हुआ कि होता क्या जनरली कि कहीं पे कुछ होता है तो उसका असर आसपास पड़ोस में पड़ना निश्चित है। तो वही हुआ कि जो जुलाई की क्रांति फ्रांस में हुई तो उसका असर आया पास के बगल के ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह का ये परिणाम हुआ कि जो है ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ये जो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम अलग हो गया उससे। तो उसमें एक ड्यूक मेटरनिक है जो कि फ्रांस का प्रशा का चांसलर था। तो प्रशा का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने बोला कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उसके इस कथन का, इस स्टेटमेंट का ये अर्थ निकल के आया कि अगर फ्रांस में कुछ होता है तो उसका पूरा असर अन्य आसपास के यूरोपीय क्षेत्रों में होना निश्चित है। तो मतलब फ्रांस को अगर सर्दी जुकाम, मतलब छींक आई तो इधर सर्दी जुकाम होगा। तो ये किसने कहा था बच्चों, ये एग्जाम में आता है, ड्यूक मेटरनिक जो कि प्रशा का चांसलर था। दूसरा हमारा पॉइंट है यूनान की स्वतंत्रता यानी ग्रीक रेवोल्यूशन। तो यूनान एक ऐसा क्षेत्र था यूरोप का जिसपे क्या हुआ कि ये 15वीं सदी से ही उस पर ओटोमन साम्राज्य ने अपना अपने अधीन में उसको कर रखा था, मतलब मुस्लिम साम्राज्य का उस पर अधिकार हो गया था। और ये संघर्ष 1821 से लगातार चला आ रहा था। लोग चाहते थे कि हम अपने को, जो यूनानी थे वो चाहते थे कि हम अपने को उस इस्लाम धर्म से, उस इस्लामी जो अधिकार क्षेत्र से, उनको हम अपने को आज़ाद करा लें। इसमें क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोपीय राज्यों का इसको समर्थन मिला। समर्थन क्यों मिला? क्योंकि एक धर्म या फिर अपनी संस्कृति जो होती है आसपास के लोगों में, उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ हमारे जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाया जाए, दूसरा कोई आकर के अगर अधिकार करता है तो जनरली क्या होता है आपस में लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी आके अधिकार करता है तब ये सारी एकता लोगों में आ जाती है। तो यही हुआ यहाँ पर कि जब इस्लाम धर्म वहां पे आए तो इन्होंने जो पश्चिमी अन्य यूरोपीय राज्य थे, इन्होंने यूनान का समर्थन किया और इसको आजादी दिलाने में इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से अपना सहयोग दिया। और इन्होंने कहा यूनान को, कहा कि ये यूरोपीय सभ्यता का पालना है, क्रेडल ऑफ जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसको कहा यूनान को। तो इसलिए इन्होंने यूनान को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आजादी देने में इन्होंने पूरा प्रयास किया। ऐसे में एक कवि है लॉर्ड बायरन, जो कि 1824 उनकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड बायरन एक इंग्लैंड के ब्रिटिश जो है पोएट थे, ये ब्रिटिश कवि थे। और इन्होंने क्या किया कि जो है इन्होंने पूरा प्रयास किया और यहाँ तक कि ये यूनान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये युद्ध में भी गए, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि इनको बुखार हो गया और इनकी जो है वहाँ पे मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर ये सारी क्रांति होने के बाद यूनान को जो है ये 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और इसके बाद यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो
हुआ क्या था कि फ्रांस में जो जुलाई की क्रांति हुई उसका असर ब्रसल्स पर दिखा और इधर जो यूनानी संस ये जो यूनान के स्वतंत्रता पर भी दिखा। तो मतलब फ्रांस जब छींकता है तो उसका असर अन्य यूरोपीय राज्यों में भी फैलता है। अब इसका हमारा पहला पॉइंट है रूमानी कल्पना व राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना क्या है कि इसको लोगों ने कहा कि जो अपनी सभ्यता वो संस्कृति जिन चीजों से निकल के आती है उन चीजों को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो वो हमारे राष्ट्रीय भावना को आगे ले जाने में मदद करेगा। तो इसको इन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक राष्ट्र को निर्माण करने में जो वहाँ की जो संस्कृति होती है, संस्कृति में क्या क्या आता है आपका, जो वहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, कहानी, कविता, देश के बारे में जो सारी चीजें होती है वो सारी कुछ वहाँ की संस्कृति है। और उन्होंने कहा राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने में ये जो हमारी जो है रोमानी कल्पनाएं जो है यानी कला है, काव्य है, कहानी है, संगीत है, ये सारी चीजें सहयोग करती हैं। इसके माध्यम से हम जो है लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकते हैं। इसी को कहा गया रोमानीवाद। रोमानीवाद यानी रोमांटिज्म। तो जिसको कहा गया एक तरह से सांस्कृतिक आंदोलन था यह रोमानीवाद, जिसमें राष्ट्रीय भावना के विकास की चाह थी। इसको सिंपल से कैसे हम समझेंगे कि कोई जैसे एक सॉन्ग होता है आपको बहुत पसंद है, ठीक है, उस सॉन्ग को अलग अलग ऐसे उस पर पिक्चर कर दे, उसको पिक्चराइजेशन उसका ऐसा करते हैं, ऐसी घटनाओं पे उसको ला के फिट कर देते हैं कि वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। तो जैसे बच्चों ये गाना है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा आजकल बहुत कॉमन है, और अभी जो ये हमारा चल रहा है कोरोना वायरस का, तो आपने इसमें देखा कि इसी गाने को अलग अलग चीजों में बैठा करके कभी डॉक्टर्स के ऊपर, कभी नर्सेस के ऊपर, कभी पुलिस मैन के ऊपर, जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनके ऊपर लेकर के इस गाने को ऐसा फिट करके बैठाया कि हर कोई सुनने वाले के दिल में देशभक्ति की भावना आती है। तो इसी तरह से उस समय भी क्या किया गया कि वहाँ के जो लोकल लोक नृत्य थे, लोकगीत थे, जो कहानी थी, जो कविता थे, जो संगीत था, हर तरह से उसको जो है लोगों के द्वारा माध्यम में मतलब उसको बांधने का प्रयास किया उसको लोगों से, और उस जो है रोमानीवाद के द्वारा उस रोमानी कल्पनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, संगीतकार हैं या कवि हैं या जो है नाटककार हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर लोगों को में राष्ट्रीय भावना को भरने का प्रयास किया। तो इसी में थे बहुत सारे रोमानी जो है कलाकार, बहुत सारे कवि थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विज्ञान व तर्क वितर्क की आलोचना की। ये बिल्कुल नहीं मानते थे, बोलते थे विज्ञान और तर्क वितर्क नहीं। इन्होंने प्रोत्साहन किसको दिया, सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसके माध्यम से हमारे देश के प्रति जो है प्रेम की भावना और हम एकता की भावना आए और राष्ट्रवादी संवेदनाएं उससे निकल करके आए, लोगों में जो है वो फीलिंग्स आए राष्ट्र के लिए। तो ऐसे में क्या थे, एक जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रेड थे, जिनकी ये फोटो हमने लगा रखी है। इन्होंने कहा कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, लोक नृत्य व जन काव्यों से प्रकट होती है। तो एक तरह से ये जर्मन को, जर्मनी उस समय जिस टाइम पे ये जो यूरोप में हो रहा था संघर्ष, उस समय जर्मनी का तो नाम ही नहीं था, वो उस पे बहुत सारे जो है देश अपना अधिकार कर रखे थे। जो मुख्य देश थे रूस था, प्रशा था, ऑस्ट्रिया थे, ये सारे लोगों ने उन इलाकों पे अपना अधिकार कर रखा था। तो ऐसे में जर्मनी अपने को आजाद कराने के लिए परेशान था, तब ये जो है जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रेड ने कहा कि ये राष्ट्र की सच्ची आत्मा उसके लोकगीत, जो लोकगीत क्या होता है कि जो क्षेत्रीय स्तर पे, जो क्षेत्रीय स्तर पे जो गीत हम गाते हैं, जो छोटे छोटे स्तरों पे जो हाथ होता है उसको जो है उन्होंने कहा कि लोकगीत, लोक नृत्य, जो जन काव्य, जो लोग कविताएं गाते हैं, डांस करते हैं या गीत गाते हैं, उसके माध्यम से जो है हम अपनी राष्ट्र की आत्मा को हम प्रकट करने का, जो उससे प्रकट होता है राष्ट्र की आत्मा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि 18वीं सदी के अंत में तीन बड़ी शक्तियां थी जिनको ग्रेट पावर कहा गया, जो रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया था। इनका पूरे यूरोपीय क्षेत्र में अधिकार था, जिन्होंने पोलैंड पे भी अधिकार कर लिया था। बच्चों हमने मानचित्र में बताया था पोलैंड का, जो प्रेजेंट टाइम पे हमने जर्मनी देखा, जर्मनी के राइट साइड पे पोलैंड। तो इन्होंने क्या किया कि पोलैंड पे अधिकार कर लिया। ये अधिकार आपको ऐसे याद आएगा कि हमने जो ट्रीटी ऑफ वियना यानी वियना की संधि में जो बताया था कि जब वियना की संधि हुई बुर्बो वंश के शासक को वापस उसकी सत्ता बहाल की गई, बाकी जो एरियाज थे उनको बांट लिया था, उसमें हमने बताया था कि पोलैंड पर रूस का अधिकार हो गया। पोलैंड को जो है उसके कुछ भागों पर रूस का अधिकार हो गया था।
तो अब उस रूस के पोलैंड की कहानी हम बताते हैं। तो पोलैंड में भी बिल्कुल इसी तरह से क्या हुआ कि इन जो शासक थे, निरंकुश शासक थे, इनसे अपने को आजादी दिलाने के लिए लोग वहां पर जो है प्रयास कर रहे थे। ऐसे में एक गीतकार थे कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की ने जो है क्या किया, इन्होंने एक गीतकार थे, ये ओपेरा वो संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और वहां का एक लोक नृत्य है पोलेनस व माजूरका, उस पोलेनस और माजूरका को इन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक मान करके वहां के लोगों में एकता की भावना का संचार किया, और जिससे जो सांस्कृतिक विरासत को लेकर के लोगों में जो राष्ट्रवादी संवेदनाएं जो आई, जो लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना आई, वो राष्ट्रीय भावना को इन्होंने बाहर निकालने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि इसका ये असर हुआ कि पोलैंड में क्या हुआ कि जो है रूसी, जो रूस का अधिकार था, वो क्या किया कि वहां से पोलिश भाषा को हटा दिया और जबरन रूसी भाषा को लाने का प्रयास किया। तो कहाँ कहाँ, एक तो स्कूल कॉलेज में, वहां पे स्कूलों में कहा कि नहीं रूसी भाषा चलेगी, पोलैंड नहीं चलेगा। या धार्मिक चर्च होता था, वहां जो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जो बाकी उनके जो धर्म, जो कर्मकांड होते थे, उन सारी चीजों में सीधा कहा गया रूस का अधिकार था। तो रूस ने क्या कहा कि नहीं, पोलिश भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी जो पोलैंड की भाषा है, इसकी जगह रूसी भाषा को वो जबरन लादा गया, उनसे कहा कि इसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन क्या हुआ कि 1831 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ किसके विरुद्ध? रूस के विरुद्ध, उस रूस ने जिसने पोलैंड पे अपना अधिकार कर रखा था। विद्रोह हुआ, विद्रोह में लोगों ने क्या कि जो चर्च के जो है जो बिशप थे, पादरी थे, इन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हम जो है अपने धार्मिक उसमें किसी भी तरह से ये जो है रूसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। पोलिश भाषा को इन्होंने उसका प्रयोग किया, रूसी भाषा के प्रयोग से इनकार कर दिया। और लेकिन उस समय रूढ़िवादी जो थे, इन्होंने किया कि हालांकि कि उनके इस विद्रोह को कुचल दिया, और कुचल दिया तो इससे क्या हो गया कि ये बेचारे जो है विद्रोह तो किए लेकिन पूरी तरह से संभल नहीं पाए ये, और पादरी और बिशपों को उठा के जेल में डाल दिया, और क्या किया इनको बाद में सजा के तौर पर ले जाके साइबेरिया में भेज दिया। साइबेरिया क्या है? साइबेरिया रूस का वो इलाका है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्र में इन्होंने उसको, उन लोगों को एक तरह से मरने के लिए भेज दिया। अब हमारा दूसरा पॉइंट है भूख, कठिनाई व विद्रोह। तो बच्चों, जो क्रांति हो रही थी उसमें बहुत सारी समस्याएं निकल के आई थी। ये जो 1830 के बाद का जो टाइम था वो यूरोपीय में, यूरोप का वो जो काल था बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयावह था। तो क्या था, 1830 के टाइम तक आते आते 1830 के बाद यूरोप की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई तो हुआ क्या कि बेरोजगारी में वृद्धि तो हुई नहीं, जनसंख्या में वृद्धि हुई लेकिन जो है, अरे बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। बेरोजगारी में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि रोजगार की कमी हो गई। जब लोग बढ़ेंगे तो उस हिसाब से रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार तो बढ़ा नहीं, तो क्या हुआ उससे बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। अब क्या हुआ कि रोजगार पाने के लिए लोग परेशान हो गए, तो क्या किया, गांव से शहरों की ओर पलायन करने लगे। लोग सोचे कि शहर में हमको काम मिल जाएगा, गांव में इनको काम नहीं मिला, तो शहरों की ओर पलायन किए। अब शहर में क्या था उस समय, उसी प्रेजेंट टाइम पे इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, और इंग्लैंड में सारी चीजें मशीनों से हो रही थी। तो एक तरह से उस समय जो यहाँ का, यूरोप का जो लघु उद्योग था, और सबसे ज्यादा असर इन उद्योगों में से किस पे पड़ा, उद्योग पे। तो जो लघु उद्योग था यहाँ पे, वो इन आयातित मशीनों वाले जो तैयार माल थे उसके आगे ये टिक नहीं सके। तो जो ये तो निश्चित है कि मशीन से जो कपड़े बन के आएंगे वो अच्छे होंगे, मजबूत होंगे और जल्दी बनेंगे, उनका वो भी कम आएगा, कॉस्ट भी कम आएगा, वो जल्दी तैयार हो जाएंगे कम समय में। जो 10 लोग मिलकर काम करेंगे वो मशीन एक अकेला कर देगा। तो उसका ये असर हुआ कि इंग्लैंड से जो आयातित कपड़े थे वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, और इसमें ये जो बेचारे लघु उद्योग थे जो घर में बनाते थे, और इनके उद्योग ज्यादातर घरों में या छोटे छोटे कारखानों में होते थे, कहीं कहीं जो है आंशिक रूप से कहीं कहीं मशीन का प्रयोग होता था। तो इससे क्या हुआ कि इन जो है मशीन, आयातित मशीनों के आगे, जो मशीनों के जो कपड़े थे, इनके जो तैयार माल थे, उसके आगे ये लघु उद्योग बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। इसका ये परिणाम हुआ कि जो है गरीबी में वृद्धि हुई। अब गरीबी में वृद्धि हुई, लोग परेशान थे, तो क्या हुआ, खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ने लगे। मूल्य क्यों बढ़े? एक तो जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई तो उसका ये असर हुआ कि उस हिसाब से रोजगार नहीं मिला, तो गरीबी में बढ़ोतरी हुई, और उसके बाद उस हिसाब से जो है खाने पीने की चीजों में दिक्कत आई।
अब जो सामान, जो खाने पीने का सामान 5 लोगों के लिए है, अगर उसके लिए 25 लोग अगर आ जाएं तो क्या होगा उसका असर? तो होगा क्या कि फिर होड़ लगेगी। डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा जब किसी चीज की हो जाती है, सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होता है, तो बेटा क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि उस चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ गया। ये रीजन है, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो चीजों का मूल्य बढ़ेगा। क्योंकि जब वो 5 लोगों का सामान है, 25 लोग डिमांड में है, तो हर कोई चाहेगा कि हाँ हम जो है 10 रुपए की अगर सामान है तो हम 20 रुपए दोगे, मुझे दे दो। वो बोलेगा नहीं हम 30 देंगे तो मुझे दे दो। तो इस तरह से वो जो है खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई। और दूसरा, इसी पे अगर फसल खराब हो गई इन्हीं कारणों से, अगर प्राकृतिक कारणों से फसल खराब हो गई तो वो तो और कंगाली में आटा गीला वाला हाल होना था। तो इस वजह से ये सारी कठिनाई आई। जो कठिनाई आई उसकी वजह से भूख बढ़ा। भूख बढ़ा तो क्या होगा, जब दोनों चीजें मिलेंगी तो क्या होगा, विद्रोह होगा। तो ये क्या हुआ कि उसके बाद पूरे यूरोप में विद्रोह फैल गया। तो ये विद्रोह हुआ 1848 में फ्रांस के पेरिस नगर में। पेरिस नगर में लोग जो है इस चीज से परेशान होकर के सड़कों पे उतर आए। और उस समय लुई फिलिप था वहां का सम्राट, जिसको ये बोर्बो वंश का सम्राट था, जिसको लोगों ने ला करके वहां पे बैठाया था। और ये संवैधानिक राजतंत्र के अधीन था। था तो ये जो है राजा, राजतंत्र था, मोनार्की था, लेकिन वो संविधान के अधीन था। तो वो क्या हुआ कि लेकिन जब लोग सड़कों पे उतर आए और जो है क्रांति करने लगे और आंदोलन करने लगे पूरी तरह से, तो लुई फिलिप क्या किया, ये डर के मारे भाग गया वहां से। और उस समय फिर सत्ता आ गई किसके हाथ में, नेशनल असेंबली के हाथ में। तो वो नेशनल असेंबली ने क्या किया कि इस जो है मोनार्की को, इस राजतंत्र को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और फिर जो है अपने संविधान में कुछ परिवर्तन लाए। ये परिवर्तन क्या लाए, पहला मताधिकार, दूसरा काम का अधिकार। मताधिकार में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 1848 की बात कर रही हूं मैं, कि मताधिकार में इन्होंने कहा 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, महिलाओं को नहीं बेटा, इसमें महिलाओं को बिल्कुल नहीं है अभी तक 1848 तक, केवल पुरुषों को, लेकिन सारे पुरुषों को, क्योंकि हमने पहले पढ़ा फ्रांस की क्रांति में कि जो है केवल सक्रिय पुरुषों को ही जो है, सक्रिय और निष्क्रिय दो भागों में बांटा था। सक्रिय पुरुष वो होते थे जो 25 साल से अधिक उम्र के हों और जो अपनी आय के 3 दिन के बराबर टैक्स देते हों। लेकिन यहाँ इन्होंने उसको चेंज किया, वो परिवर्तन क्या किया कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति जो पुरुष है, वो हर पुरुष वयस्क पुरुषों को जो है मत देने का अधिकार दिया। दूसरा काम का अधिकार दिया, यानी रोजगार की गारंटी दी इन्होंने। तो ये परिवर्तन आया 1848 में। उसी समय हम 1845 का पढ़ेंगे सिलेसिया की कहानी। ये सिलेसिया एक जगह था जहाँ पे प्रशा का अधिकार था। वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे बुनकर रहते थे। बुनकर क्या थे कि उनको जो बहुत सारे ठेकेदार जो थे वो बुनकरों को ला करके कच्चा माल देते थे और उनसे माल तैयार करके ले जाके मार्केट में बेचते थे। तो उसका ये जो है बुनकरों को उसका जो है दाम देते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, काम की तलाश में लोग आए, तो क्या हुआ कि काम तो उतना ही था, लोग ज्यादा थे काम करने वाले। तो जब लोग ज्यादा हो जाएंगे काम करने वाले तो क्या करेंगे ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करे, अपने हिसाब से काम कराएगा, बोलेगा जो तुम कम में करोगे तो मैं तुमसे काम कराऊंगा, उससे कम में कोई दूसरा करेगा तो उससे काम कराऊंगा। तो इस तरह से ये दाम उतना नहीं देते थे और काम पूरा इनसे लेते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि 4 जून को दोपहर 2 बजे ये सारे जो बुनकर थे वो बिल्कुल परेशान होकर के इन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया, अटैक कर दिया ठेकेदारों के खिलाफ, इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। अब ये विद्रोह में क्या किया कि ठेकेदारों के घर पे जाके अटैक कर दिए, वहां जाकर के उनका घर पूरा तहस नहस कर दिए, फर्नीचर को तोड़ दिए, जो सारे चीनी मिट्टी के साजो सामान थे वो सारे इन्होंने तोड़ फोड़ दिए, यहाँ तक कि भंडार गृह में जाकर के इन्होंने वहां पे अटैक किया और सारे कपड़े वपड़े सब लूट लिया और एक तरह से तार तार कर दिया। फिर ये लोग क्या किया, अपने परिवार के संग भाग के पास के गाँव में शरण लिया। हालांकि पास के गाँव वालों ने इन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी। फिर 24 घंटे के बाद इन्होंने सेना को बुला करके वापस इनको जो है वहां पे लाया गया। और इसी में सेना की गोली से, पुलिस की गोली से जो है, सेना की गोली से 11 बुनकर जो है मारे गए। तो ये थे सिलेसिया की कहानी।
ये सारी चीजें हम भूख, कठिनाई और विद्रोह का वो दौर जो यूरोप में उस समय फैला हुआ था, ये पूरी कहानी उसकी पूरी का, इसकी उसकी कहानी बयां कर रही है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। अब उदारवादियों ने क्या किया कि 1848 में यूरोपीय देशों में विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ, क्या हुआ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विद्रोह हो रहा था। विद्रोह कौन कर रहा था, जो हमारे जो समाज के निचले तबके के लोग थे, जो गरीब थे, जो किसान थे, जो बेरोजगारी से त्रस्त थे, उन लोगों द्वारा ये विद्रोह हो रहा था। गरीबी और भुखमरी के कारण लोग विद्रोह कर रहे थे, ये तो हमने पहले पढ़ा था। ठीक उसी के समानांतर जो हमारे अन्य पढ़े लिखे मध्य वर्गीय लोग थे, उनकी भी क्रांति चल रही थी। और उनकी क्रांति का ये असर हुआ कि फरवरी 1848 में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। राजा को पता चल गया, तो समझ आ गया था कि अब मैं ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तो इस क्रांति का असर हुआ, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। और इसके बाद इन्होंने संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग की। एक ऐसा राष्ट्र राज्य जिसका जो है जो संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। और इसमें इन्होंने मांग क्या की, डिमांड क्या की कि हमको संविधान चाहिए अपना एक, और प्रेस की स्वतंत्रता, जिसको ये रूढ़िवादी आकर के प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया था। इन्होंने पूरी तरह से प्रेस को अपने कंट्रोल में कर लिया था, वो वापस इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता मांगी। और तीसरा इन्होंने मांगा आज संगठन बनाने की आजादी, कि हमको जो है संगठन बनाने की आजादी मिलनी चाहिए। तो ये 1848 के उदारवादियों की क्रांति थी। ऐसे में जो जर्मन साम्राज्य था, जो अभी हम जर्मनी पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी पिछले साल आपको पढ़ाया था, पूरा मैप दिखाया था, वो जो जर्मनी अभी दिख रहा है, वो उस समय तो उसका कुछ था ही नहीं। तो अगले हम उसमें चैप्टर वो भी पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण उसमें पढ़ेंगे हम। तो उस जर्मनी में अपने जर्मन इलाके को आजाद कराने के लिए जो मध्य वर्गीय शिक्षित लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक राजनीतिक संगठन बनाया इन्होंने। और वो सारे राजनीतिक संगठन के लोग जो थे, उन्होंने क्या कि सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। इन्होंने क्या कि सारे मिल गए जितने राजनीतिक संगठन थे, और उस राजनीतिक संगठन में कौन लोग थे, जो मध्यम वर्गीय शिक्षित व संपन्न लोग थे, ठीक है, ये सारे लोगों ने मिलकर के सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी, वो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में इन्होंने मतदान किया। और 18 मई 1848 को 831 प्रतिनिधि ये निर्वाचित किए गए। कहाँ पे, ये फ्रैंकफर्ट जो है वो था, वहाँ पे ये निर्वाचित किए गए 831 जो प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए। और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का इन्होंने प्रारूप पूरा तैयार कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब अपना एक संविधान प्रारूप तैयार किया, तो जो वहाँ का राजा था, प्रशा का जो राजा था, फ्रेडरिक विलहम चतुर्थ, ये जो था, उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि ठीक है, आप आओ, हमारा संविधान रहेगा, हमारा सब कुछ चलेगा, लेकिन हम आपको राजा मान लेंगे। आप ठीक है, सत्ता संभालो, आप राजा हो, लेकिन आप काम क्या करोगे, इसी संविधान के आधार पे, जो इन्होंने किया था लुई 16 के टाइम पर। लुई 16 को क्या किया था कि उन्होंने हटाया, और वहां पे अपना जो नेशनल असेंबली आ गई थी, वही चीज इन्होंने वापस से फिर 1815 में जो है बोर्बन वंश के शासक को वापस सत्ता में बहाल किया, जो रूढ़िवादियों ने निरंकुश शासन को फिर लाया राजतंत्र, उसी को इन्होंने यहाँ पे हटाया। और जो प्रशा का शासक था फ्रेडरिक विलहम चतुर्थ को इन्होंने कहा कि ठीक है, आप राजा रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और हम जो है, लेकिन आपको काम किसके कैसे करना है, इसी संविधान के आधार पे। तो जो संविधान बना, तो फ्रेडरिक जो है, इनको फ्रेडरिक विलहम को पसंद ये नहीं आया, इन्होंने क्या किया, इस ताज को अस्वीकार कर दिया। और इसमें जो है अन्य जो यूरोपीय क्षेत्रों के जो शासक थे, उन्होंने इसमें जो है इनकी मदद की। अच्छा, ये क्या हुआ, फिर ये संविधान जो तैयार हुआ, इसमें जो निर्वाचित लोग हैं, ये फ्रैंकफर्ट संसद में, ये मध्य वर्गों का प्रभुत्व वाली जो फ्रैंकफर्ट संसद बनी थी, उसमें ये लोगों ने अपना जो है अपने को एक संविधान बनाने की वो की, पूरी मीटिंग की। और ये हुआ कहाँ था, ये सेंट पॉल चर्च पॉल में, सेंट पॉल जो चर्च था, वहां पे ये जो है इनकी फ्रैंकफर्ट संसद वहां पे चलती थी। अब इसमें क्या किया कि कारीगर व मजदूरों की मांग का इन्होंने विरोध कर दिया। हुआ क्या था कि ये मध्य वर्गीय क्षेत्र वाले लोग थे पूरे संसद में, इसमें निम्न वर्ग के लोग थे, उनका तो प्रतिनिधि कोई था ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि कारीगर मजदूरों की मांग का जो है एक तरह से विरोध कर दिया, क्योंकि इधर दूसरी तरफ इनको सेना और जो है अन्य शासक जो है क्या किए, इन पे कंट्रोल कर रहे थे, जब ये फ्रेडरिक विलहम ने जो है मना किया इसको ताज लेने से। अब इसका क्या हुआ कि कुलीन वर्ग जो थे और सेना का विद्रोह भी इनको झेलना पड़ा।
इसका यह परिणाम हुआ कि असेंबली को इनको भंग करनी पड़ी, जो इन्होंने असेंबली बनाई थी फ्रैंकफर्ट संसद में, इसको पार्लियामेंट को इनको जो है भंग करनी पड़ी। अच्छा, इसी समय हम पढ़ेंगे, इसी पूरे टाइम पीरियड में 1830 से 1848 के बीच में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो महिलाएं शुरू से ही अपने राजनीतिक अधिकार की मांग कर रही थी और पूरी तरह से आंदोलन में ये महिलाएं सक्रिय थी। इन्होंने पूरी तरह आंदोलन किया, अखबारों में बहुत सारे लेख निकाले, कहानी कविता के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया, विरोध किया, आंदोलन किया, सब कुछ, पूरी सक्रियता थी इनकी। लेकिन इनको जो है, इनको जो राजनीति में इनको जो अधिकार दिया जाए उस पे लोगों में जो है दुविधा बनी हुई थी। कोई भी नहीं चाहता था कि महिलाओं को राजनीति में अधिकार दिया जाए। पुरुषों को तो मताधिकार दे दिया गया था, लेकिन महिलाओं की स्थिति वही जो वही की वही बनी रही। तो ये हुआ क्या, जो फ्रैंकफर्ट संसद जब हुआ था, वहां पे जब इनकी जो है जो संसद चल रही थी सेंट पॉल चर्च में, तो फ्रैंकफर्ट संसद की सभा में ये महिलाएं पहुंची तो थी, लेकिन ये केवल प्रेक्षक के रूप में थी। वो दर्शक दीर्घा में पीछे ये खड़ी रही और इनको वहां पे कोई मान्यता मतलब नहीं दी गई। तो ये तो थी महिलाओं की स्थिति। अब क्या हुआ कि 1848 के उदारवादी आंदोलन में हुआ क्या, तो जो रूढ़िवादी ताकतें थी इन्होंने किया क्या, इस उदारवादी आंदोलन को दबाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन तब तक ये समझ गए थे कि आंदोलन तो हम दबा देंगे लेकिन ज्यादा समय तक हम इसको दबा के नहीं रख सकते, ये क्रांति बार बार बीच बीच में आएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि मालूम था कि हम इसको जो है दबाने में कामयाब हो गए किंतु पुरानी व्यवस्था जो थी उसको बहाल हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि निरंकुश राजशाहियों द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए कि ठीक है भैया तुम हमको रहने दो, हम राज अपना राजतंत्र चलाएंगे, लेकिन ठीक है हम कुछ परिवर्तन कर देंगे जिससे ये लगे जनता को कि हाँ हमारे लिए कुछ हो रहा है। तो जनता को मनाने के लिए, एक तरह से बहकाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ परिवर्तन किए, जिसमें पहला इन्होंने किया कि भूदासत्व बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया। जो भूदासत्व आप जानते हैं कि ये जो है लोग जो बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड होते थे, जिनकी जमीन होती थी, सामंत होते थे, वो अपने जमीन पे बहुत सारे लोगों को जो गरीब किसान होते थे उनको दास बना करके रखते थे, उनसे पूरा काम कराते थे। एक वो, दूसरा बंधुआ मजदूर, मतलब किसी को बांध करके रखना, उससे जिंदगी भर काम करवाना। इन दोनों चीजों को इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। और हैब्सबर्ग शासकों द्वारा हंगरी को स्वायत्तता दी गई। जो हैब्सबर्ग शासक थे, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उसके द्वारा जो हंगरी पे इन्होंने अधिकार किया था, उस हंगरी को इन्होंने स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो ये तो पूरा था बच्चों, अभी हमारे ये इसका जो है, ये जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, क्रांतियों का योग। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जर्मन को कैसे एकीकृत किया गया, उसमें जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें अभी तक इतना ही। ओके, थैंक यू।